अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम बना रहे हैं हरी मिर्ची कीमा। तो हम आपको हरी मिर्ची कीमा बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हरी मिर्ची कीमा के लिए सब चीज़ें ली हैं, जिसमें हमने लिया सबसे पहले 250 ग्राम हरी मिर्चें, हाफ के जी कीमा हमने लिया बीफ का कीमा, ऑयल हमने थोड़ा सा लिया है, दही भी हमने 250 ग्राम ली है, प्याज लिए हमने, प्याज हम ज़्यादा ही लेते हैं, और 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च और धनिया पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच। चलिए अब हम अपना कीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम पतीली में ऑयल डालेंगे, फिर जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम उसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसको और फिर प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। फिर जब हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से हो गया, फिर हम उसमें हमारा लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर हम उसको भी मिक्स करेंगे और उसको भी प्याज और हमारे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर जब हमारे लहसुन का पेस्ट और प्याज थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। मसाले हम लोगों ने आपको दिखाए थे, फिर हम ये सारे मसाले डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, फिर जब हमारे सारे मसाले भी पक जाएंगे हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और कीमा डाल के हमें अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है। कीमा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे हम इसको, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे को और फिर हमें कीमे को अच्छी तरह से भूनना है। आप लोग देख सकते हैं हमने कीमे को इतना पका रहे हैं, इतना अच्छी तरीके से हम इसको भून रहे हैं कि इसका कलर आप देखें पकता जा रहा है। जब इतना पक जाएगा तो हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, 1 कप पानी ऐड करेंगे, देख लें आप लोग, और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन ढककर। फिर जब ये थोड़ा सा पक जाएगा हम इसका खोल कर देखेंगे कितना पका, फिर हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची हम देख लें सारी डाल रहे हैं इसमें, हमने जो 250 ग्राम ली थी कट करके। फिर जब हरी मिर्चों के साथ हमारा कीमा पक जाएगा तो हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही हमने फेंटी हुई है, ऐसे दही नहीं डाल लेनी, दही को फेंटना है अच्छी तरह से, फिर डालनी। फिर हम दही डाल के इसको फिर से अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। तो हमारा कीमा अच्छी तरह से पक गया है, हरी मिर्ची कीमा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप लोग भी बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपने। थैंक यू।